आज पंजाब की एक बहुत ही बेशकीमती जान चली गई, और वहां इसलिए गई क्योंकि घटिया लोगों की, घटिया राजनीति की भेंट चढ़ गई वो हमारे नौजवान दोस्त सिद्धू मूसेवाले की जान। मुझे बड़े दुख के साथ, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, जब मैंने उसकी माताजी के बोल सुने, मेरे पास अल्फाज नहीं रहे उनका दुख सुनने के, जब एक मां ये कहने को मजबूर हो जाए कि मुझे भी एक गोली मार दो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हें शांति मिलती है तो मुझे भी एक गोली मार के अपने बेटे के साथ डाल दो। उसकी मां ने कहा, मेरे तीन तीन बच्चे गए हैं, तीन लोगों का आज कत्लेआम क्यों हुआ? अरविंद केजरीवाल की घटिया राजनीति के लिए लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करके मैंने कल ही ये ट्वीट करके कहा था, 24 घंटे पहले ये ट्वीट किया था, अ हाई लेवल इंक्वायरी शुड बी ऑर्डर अगेंस्ट द रेकलेस पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसर्स लीडर इन्वॉल्व्ड इन शेयरिंग द डॉक्यूमेंट विद पब्लिक। हाउ कैन द सच सेंसिटिव डॉक्यूमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट बिकम पब्लिक? I demand a strict action against those who have leaked the confidential list of people whose security has been withdrawn. First you withdraw the security and then you make the vulnerable by leaking the names. आप उनके नाम डालकर जनतक करके आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि आइए, अब इसके पास सुरक्षा नहीं है, आपने जो करना करिए। मैं राघव जी, अभी भाई साहब पूछ रहे थे राघव जी का, मैं आपको बताऊं, 90 सुरक्षा कर्मी अरविंद केजरीवाल जी के पास पंजाब के हैं, 90। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे, मेरे को एक स्टेट की पुलिस दे दो, ले ली पुलिस। मैं आज भारत के लोगों को कहना चाहता हूं, माताओं अपने बच्चों को सुरक्षित करो, एक बहुत खतरनाक आदमी जिसके अंदर ना जाने किस किस तरह के इरादे हैं इस देश के प्रति, क्या सोच रखता है इस देश के प्रति, वो दिल्ली और पंजाब पे काबू हो चुका है और देश के अंदर अपने आप को फैलाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लोगों को मरवा रहा है। अपने रिमोट कंट्रोल से दिल्ली से सरकार चलाने की इच्छा रखने वाले राघव चड्ढा के पास 45 गनमैन है, 45। हरजिंदर नगर में रहने वाले आदमी को इतना खतरा है, उसको 45 गनमैन चाहिए, आगे पीछे गाड़ियां चलती हैं। भगवंत मान जी की बहन के पास 20 गनमैन है, 20 सुरक्षा कर्मियों के साथ वो चलते हैं। 450 गनमैन है, आप सुनकर हैरान होंगे, भाई 450 गनमैन, आप सुनिए, मैं आज मीडिया को बताना चाहता हूं, और मेरी बात गलत है तो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल जवाब दे इस बात का, 450 गनमैन, 12 लैंड क्रूजर गाड़ियां, 2-2 करोड़ रुपए की 12 गाड़ियां, 32 स्कॉर्पियो, 18 जिप्सियां, ये भगवंत मान जी की सुरक्षा के अंदर है। पंजाब का खजाना लूटकर पंजाब के लोगों की पैसे की सुरक्षा अरविंद केजरीवाल दिल्ली में ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केवल आज इन तीन बेशकीमती जानों के जुम्मेवार नहीं, बल्कि उनके कत्ल के लिए जुम्मेवार है, इनके ऊपर 302 में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल शुड बी बुक्ड फॉर दिस मर्डर। ये दिन दिहाड़े अरविंद केजरीवाल सुबह से लेके कल से लेके आज उसके सारी वीडियो देखें, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, जगह जगह जाके कह रहा है, मैंने सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली, सुरक्षा वापस ले ली। अरे पंजाब को तुम रिमोट से काबू करके ये पंजाब का हाल बना दिया, ये हालात बना दिया आपने। 2 महीनों के अंदर कितने सिंगरों की जान चलेगी, कितने कबड्डी प्लेयरों की जान चलेगी, नशा करते हुए 40 लोग मारे गए, 60 लोग, माफी चाहता हूं, 60 लोग नशे की भेंट चढ़ गए। और अरविंद केजरीवाल का सपना क्या है कि दिल्ली से मैं सरकार चलाऊंगा? मैं देश के लोगों को हाथ जोड़कर विनती करता हूं, देश के लोगों, ये अरविंद केजरीवाल का चेहरा देखो, ये किसी के बच्चे भी मरवा देगा। आज मैं नहीं कह रहा, आज सिद्धू मूसेवाल की माता जी ने जब कहा, मेरे को तो मेरे पास अपना काबू नहीं रहा, जब मैं उनकी आवाज सुन रहा हूं, यार एक मां का आप दर्द सोच के देखिए, जिसका अकेला अकेला बेटा है, वो एक गंदी राजनीति, घटिया कमीने लोगों की राजनीति की भेंट चढ़ गया।
अरविंद केजरीवाल की सत्ता हथियाने की लालसा की भेंट चढ़ गया। अरविंद केजरीवाल मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मेरे हाथ में पंजाब हो, हरियाणा हो, यूपी हो, इसकी भेंट बच्चे चढ़ रहे हैं। आज आपके सामने ये नमूना है, आप देख रहे हैं क्या पंजाब किन हालातों में जा रहा है, और इसका जिम्मेवार अरविंद केजरीवाल, वहां अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा जैसे लोग हैं जिनके मन में सत्ता हथियाने का इतना लोभ और लालच है, उसके लिए पंजाब को तबाही की लाइनों पर लेके आगे कुछ भी कर देंगे लेकिन पंजाब को तबाह कर छोड़ेंगे। मैं आज जरूर कहना चाहता हूं, आप बताइए, मैं आपको देश के लोगों से आज पूछता हूं, मैं पंजाब के लोगों से आज पूछता हूं, राघव चड्ढा इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए या जत्थेदार अकाल तख्त साहिब दी सुप्रीम टेम्पोरल अथॉरिटी ऑफ दी सिक्स। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें सीधे तौर पर बीजेपी सिद्धू मूसेवाला की इस हत्या को जोड़कर देख रही है कि इसके पीछे सरकार का बड़ा फेलियर है, और साथ ही ये बड़ा आरोप लगाते हुए कि जो पंजाब की सरकार है वो दरअसल दिल्ली से चल रही है। सिटी जानिए, कोरिया सिटी, हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। वो बहुत दूर है, आपको पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। बाबा ने भेजा है, कम हियर। क्यूरियोसिटी? क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी, एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।